सामना करो उन मुश्किलों का जो राह में आई है, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल का पता भी बताएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सोनम चौधरी और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चौधरी प्रीतम सिंह पब्लिक स्कूल 4067। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने बहुत हेल्प किया है हमारे आपके अपने स्कूल को ग्रो कराने में। जैसे ही हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आप बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आयुषी द्विवेदी जी है और जो कि हमेशा हमें कमेंट करती रहती है कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियोस चाहिए, कि मैम आप हमें सेवन्थ क्लास के दिखाइए, अपना ग्राउंड दिखाइए, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और जिस तरह की भी आपको वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली हमें कॉमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज इस वीडियो में बहुत खास होने वाला है, बहुत जगह ऐसा होता है जो इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टू GK एंड SST बोथ आर। देखिए आप हमारे बच्चे 4th, 5th, 6th, 7th, 8th इन क्लास में SST पढ़ते हैं और डेफिनेटली उनका कॉन्टिनेंट्स का ज़रूर आता है। अब कॉन्टिनेंट को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें हमें मैप में भी फिल कराना होता है, तो हम ये देख सकते हैं कि आप लोग सभी अपने घरों में, जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई वर्किंग है हम नहीं करा पा रहे या फिर हम कहाँ से पढ़े, तो ये हमने अपनी स्कूल की जो YouTube चैनल है उस पर डाल दिया जाएगा, ये आप लोग बहुत अच्छे से वहाँ से गेट कर पाएंगे और किस तरह से हम इनको क्लासेस में या फिर किस तरह से हम अपने घरों में बच्चों को किस तरह से मैप फिल करा सकते हो बहुत अच्छे से बताया गया है। चलिए पहले हम जान लेते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में। देखिए कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट एक ऐसा लैंड एरिया होता है जो इट इज़ द सराउंडिंग फॉर द वाटर्स, यानी देखिए ये हमारा सपोज दैट साउथ अमेरिका है और ये चारों तरफ से देखो पानी से घिरा हुआ है और ये जो इसका लैंड एरिया है ये उभरा हुआ है, तो जो हमारा भाग उभरा हुआ होता है हम उसको कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं हमारा जो वर्ल्ड है उसमें कितने कॉन्टिनेंट है। देयर आर द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट आ जाता है एशिया, ये देखिए इट इज़ द फर्स्ट एशिया, एशिया में 49 कंट्रीज हैं। सेकेंड नंबर पर अफ्रीका, अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं। थर्ड नंबर नॉर्थ अमेरिका, उसमें 23 कंट्रीज है। फोर्थ नंबर साउथ अमेरिका, उसमें 12 कंट्रीज है। फिफ्थ नंबर अंटार्कटिका, देयर आर द 0 कंट्री। सिक्स नंबर पर यूरोप, 51 कंट्रीज। सेवेंथ ऑस्ट्रेलिया, देयर आर 14 कंट्रीज। तो ये हमारे कॉन्टिनेंट्स के नेम हैं विद देयर कंट्रीज, यानी कितने कॉन्टिनेंट हैं मैं फिर से बता देती हूँ। देयर आर द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। एशिया कॉन्टिनेंट हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होगा विश्व का, वर्ल्ड का, और इसका जो सबसे बड़ी जो बिगेस्ट कंट्री होगी अकॉर्डिंग टू द एरिया वो होगा हमारा रशिया, एंड रशिया की कैपिटल होगी हमारी मास्को। एशिया का जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंट्री होगी वो होगी मालदीव, मालदीव की जो कैपिटल है वो होती है माले। तो यहाँ पर मैं आपको कैपिटल से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं करा रही वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं अब हम जल्दी से क्या कि हम इसको मैप में कैसे फिल कर सकते हैं। आप लोग जो पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, देखिए द वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप को अपने पास रखना है, बच्चों के पास भी रखिएगा, और ये वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है और ये इट इज़ द ओनली जो हमारे ओशियंस या फिर हम लोग जब कॉन्टिनेंट्स पढ़ाते हैं वो ही इसको यूज़ करते हैं। ये जो हमारा एरिया है ये हमारा एशिया है, आप इसमें डालेंगे कॉन्टिनेंट को फिल करना होता है, तो इट इज़ द एशिया, मैंने पहले फिल कर लिया था, ये एशिया है। सेकंड नंबर का जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है हमारा अफ्रीका, अफ्रीका इसके बिल्कुल अभी इसको आपको टच नहीं करना है, सिर्फ ये जो हमारी लाइन दिखाई गई है ये यहाँ तक आप फिल करेंगे सारा, ये हमारा एशिया है। ओके एशिया में अगर हम देखें इंडिया कहाँ है हमारा, ये हमारा इंडिया आ रहा है, ये हमारा इंडिया है, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग देख सकते हैं इट इज़ द इंडिया। और इंडिया हमारा एशिया में ही आता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा अफ्रीका, अफ्रीका हमारा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये देखिए ये हमारे बिल्कुल इसकी साइड में है, ये हमारा अफ्रीका है, आप लोग यहाँ पर अफ्रीका फिल कर सकते हो। आ जाता है थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पर आ जाता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ये सारा जितना भी एरिया है ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का एरिया है और ये जो है बहुत से समझेंगे मैम ये तो ग्रीनलैंड होता है, बिल्कुल ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही आता है और इसमें हमेशा बर्फ़ी जमी रहती है। ग्रीनलैंड की जो कैपिटल होगी वो होगी हमारी क्या, नुक। तो अब आप सभी देख सकते हैं ये हमारा कौन सा होगा, थर्ड नंबर का कॉन्टिनेंट है और इसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ,
फोर्थ नंबर का जो कॉन्टिनेंट है वो है हमारा साउथ अमेरिका। आप देख सकते हैं इसकी जो बाउंड्री लाइन है इससे टच करती जा रही है, एंड इट इज़ द हमारा एक लैंड एरिया है और इस चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, और ये भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। अब आ जाए फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर आ जाता है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है कहाँ पर, देखिए ये हमारा जो सबसे नीचे है ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक भी देश नहीं है और ये हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है और इसमें हमेशा बर्फ ही जमी रहती है। ये सिर्फ जो रिसर्च है जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हीं के लिए ओपन किया जाता है, परमिशन लेकर ही वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, जाते हैं। अब आ जाता है नंबर सिक्स, सिक्स का आ जाता है यूरोप। नंबर सिक्स आ जाता है हमारा यूरोप। ये देखिए ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है, एशिया के बराबर में यूरोप है, एशिया से नीचे हमारा अफ्रीका आ जाता है और हमारे इंडिया, फिर से दिखा देती हूँ, देखिए ये हमारा यहाँ पर इंडिया है। आफ्टर दैट आ जाता है हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया हमारा ये रहा। अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली इसको साथ के साथ फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो देखो मैंने कलर किया हुआ है पेंट, ये एक स्टूडेंट ने किया था, मैंने उसका ले लिया और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हम लोगों ने बच्चों को फिल कराया था कि आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अब हम लोग जैसे एग्ज़ाम में भी इसको दे देते हैं, हम ही नहीं हर कोई मोस्टली आता ही आता है, कॉन्टिनेंट आए या कुछ भी आए, ओशियंस आए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहीं पर ऐसा होता है ग्रास लैंड आ जाता है, तो कुछ ना कुछ तो देना होता है, मैप की तैयारी करानी होती है तभी वो आगे जाके 10th क्लास तक 12th तक कर पाते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखिए इसमें कर सकते हैं। स्टूडेंट ने लिखा हुआ है एशिया, सेकेंड नंबर पर हमारा अफ्रीका ये रहा, थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ द नॉर्थ अमेरिका, द फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाता है साउथ अमेरिका, दिस इज़ द साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर अंटार्कटिका, वो हमेशा वाइट ही रहता है, बर्फ है ना, तो दिस इज़ द अंटार्कटिका। अब आ जाता है हमारा सिक्स नंबर पर यूरोप, इट इज़ द यूरोप, सेवन नंबर पे आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट इज़ द ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे कॉन्टिनेंट्स थे और आपको आई थिंक बहुत ही बेनिफिट रहेगा, अपने बच्चों को पढ़ाने में भी ईजी रहेगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बेसिक जो है हमारा वो भी करने में इजी रहेगा। और इस तरह की आपकी जो हम वीडियोस हैं वो अपने चैनल पर डालते रहेंगे, जीके से रिलेटेड तो कुछ, वो एसएसटी से रिलेटेड। देखिए ये अगर कोई बच्चा ओलंपियाड देता है, कहीं कोई कंपटीशन टेस्ट दे रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ द वेरी यूज़फुल। सो गाइज किस तरह की वीडियो आप लोगों को चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कॉमेंट्स कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, कोशिश करती हूँ मैं उसी तरह की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल, और अगर कुछ भी है तो आप जो कहना चाहते हैं बिल्कुल खुल के कह सकते हैं, सो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा टॉपिक लेकर के, या तो देखिए नेक्स्ट वाला हमारे रिलेटेड होने वाला है, मैं एक बार बता देती हूँ, या तो हमारा नदियों से होगा या ग्रास लैंड, कुछ ना कुछ डेफिनेटली ये बहुत होगा, अच्छा ही टॉपिक लेकर के आऊँगी। और ये ज़रूर अपने बच्चों को बताइएगा, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम अब एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं और ये ज़रूर बेनिफिट होने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीवन।